हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये सारी बुक्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर डिस्टेंस बीएड। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से बीएड कर रहे हैं तो ये आपकी 10 बुक हैं जो विनोद पब्लिक सर से मैंने मंगाई थी। इसमें मैं आप सभी को कंटेंट दिखाऊंगा और ये बुक्स हैं, सीरीज नहीं है। और आप वेबसाइट पे जाके भी मंगा सकते हैं या फिर आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। जी, सबसे पहले हम बुक देखते हैं हमारी। आपकी 10 सब्जेक्ट चलेंगी। सबसे पहली है शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एवं आईसीटी। इसकी सेमेस्टर सेकंड की है, सेमेस्टर सेकंड। हालांकि साथ में एग्जाम होते हैं, ये सिलेबस दे रखा है इसमें। इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड और इकाई फोर्थ, ठीक है। और अंदर से भी एक बार किताब दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं या फिर अगर आपको डायरेक्ट डिलीवरी करवानी है तो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी इसे खरीद सकते हैं। ये हमारी एक बुक हो गई। अगली आ जाती है हमारी पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ये है आपके सेमेस्टर फर्स्ट में। इसमें देखिए, फर्स्ट इकाई है ये वाली, सेकेंड इकाई, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं और फ्लिपकार्ट अमेजन से आ सकते हैं। तो बुक हो गई हमारी। एक ये है भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंडिया। 10 सब्जेक्ट चलेंगी। एक इसमें आपके ऑप्शनल रहेगी लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी सेमेस्टर सेकंड में है और इसकी आपको मैं यूनिट दिखा देता हूँ। प्राचीन व मध्यकालीन भारत में शिक्षा, ब्रिटिश भारत में शिक्षा। थर्ड यूनिट में है शिक्षा के महत्वपूर्ण दस्तावेज। फोर्थ, फिफ्थ और ये आपकी पांचवी यूनिट दे रखी है इसमें। ये किताब है तो इसमें किताब के हिसाब से बहुत ज़्यादा मटेरियल दे रखा है। जो भी सीरीज मंगाना चाहता है वो वेबसाइट पे देख विजिट कर सकता है। तीन किताबें हो जाती हैं हमारी। ये है शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपके आ जाता है सेमेस्टर सेकंड में। और इसमें इकाई फर्स्ट में मार्गदर्शन है, इकाई टू में फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस है, इकाई थर्ड में है आपके मार्गदर्शन सेवा का संगठन, इकाई फोर में है काउंसलिंग, ठीक है। और इसे भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगली हमारी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये सेमेस्टर फर्स्ट में आती है आपकी। फर्स्ट इसकी यूनिट है शिक्षा और दर्शन। सेकेंड यूनिट है शिक्षा के मुख्य दर्शन और शैक्षिक विचार। थर्ड में है शिक्षा का सामाजिक ढांचे में उल्लेख। फोर्थ यूनिट है संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन। तो जो भी बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो विनोद पब्लिशर से भी आप मंगा सकते हैं। जो भी बुक से स्टडी करना चाहता है, ये बुक है मेरे पास जो है। अब आ जाते हैं हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट, शिक्षा और विकास। ये भी सेमेस्टर फर्स्ट में है और इसमें आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में भाग फर्स्ट साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, मानव विकास की शैक्षिक प्रक्रिया को समझना। थर्ड यूनिट में है लर्निंग एंड मोटिवेशन। फोर्थ में है इंटेलिजेंस, ठीक है। अगला है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, सेमेस्टर सेकंड। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन। सेकंड है टीचिंग प्रोफेशन एंड टीचर, रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एवेल्यूशन ऑफ टीचर। कंटेंट अच्छा खासा दिया हुआ है, लेकिन रिवाइज के पर्पस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप सीरीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, binodpublisher.com पे जाके आप, और हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्ट डिलीवरी भी कर पाएंगे। अगर आप लैंग्वेज टीचिंग ऑफ हिंदी लिया था मैंने, तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ टीचिंग ऑफ हिंदी है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, इंग्लिश, पंजाबी। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर सेकंड में आएगा आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है।
अब आ जाते हैं हमारा अगली सब्जेक्ट, जनसंख्या पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन। ये सेमेस्टर फर्स्ट में है और इसमें फर्स्ट में आपकी जनसंख्या शिक्षा और जनसंख्या गति विज्ञान है, और दूसरे में है स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा, थर्ड है जेंडर स्टडीज, फोर्थ है इशू ऑफ इंडियन वुमन। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी बुक काफ़ी छोटी है सेमेस्टर फर्स्ट में, और ये आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में एक विशिष्टता आ जाती है इकाई यूनिट फर्स्ट में, सेकंड में आ जाती है विशिष्ट बच्चों की श्रेणियाँ, थर्ड में विशिष्ट शिक्षा, फोर्थ में राष्ट्रीय मुद्दे। तो ये टोटल 10 किताबें हैं जिसमें एक आपकी ऑप्शनल रहेगा लैंग्वेज का, बाकी के सारे मैंडेटरी हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी सब्जेक्ट आपकी चलेंगी, सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ है वो सेमेस्टर फर्स्ट में चलेगा, हालांकि दोनों के एग्ज़ाम साथ में ही होंगे, क्लासेस भी साथ में ही होंगी। अगर इससे रिगार्डिंग और कोई आपको क्वेश्चंस क्यूरीज हो तो पूछ सकते हैं। वापस से बता देता हूँ, ये पर्यावरण शिक्षा सेमेस्टर फर्स्ट में, ये शिक्षा और विकास लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फर्स्ट में, ठीक है, और ये विशिष्ट शिक्षा सेमेस्टर फर्स्ट में, और ये पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन, ये पांच फर्स्ट में है, ठीक है, और बाकी के पांच कौन से हैं सेकेंड सेमेस्टर में हैं, चाहे आपकी टीचिंग ऑफ्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, टीचिंग एजुकेशन हो, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंडिया, या फिर ICT हो, या फिर शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श हो। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी सब्जेक्ट चलती हैं, किस किस के एग्ज़ाम आपके फर्स्ट ईयर में होंगे। आई होप गाइस ये आपको हेल्प करेगी। थैंक्स, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।